नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है इस नए व्लॉग में। तो आज का व्लॉग हमारा होली को लेकर के हैं, और इस बार भी हमारे पिछली बार की तरह संवाददाता आशुतोष जी जो हमारे यहाँ पे अनपेड अनक्रेडिटेड इंटर्नशिप कर रहे हैं, आपको सारा लिखा चिट्ठा बताएंगे। तो इस वीडियो से कुछ ज़्यादा उम्मीद ना रखते हुए आप आगे बढ़ सकते हैं। ओ भाई ये क्या है? तो इसी आशा के साथ कि आप अपना फोन ना तोड़े, आप वीडियो आगे देख सकते हैं। चलो भाई देखो अपने क्या करते। हेलो एवरीबॉडी, हैप्पी होली टू एवरीवन। चाचा ये सवेरे सवेरे क्या मेरे को यही देखने का है क्या? आज हम लोगों की होली है, हम लोगों की होली इन द सेंस आज हम लोग मना रहे हैं होली यहाँ पे सब कॉलेज वाले। तो क्या नाचोगे? सजाज के तो नहीं, पिछले साल वाली टी शर्ट है जो होली में पहनी थी वही पहन के जा रहे हैं। वाओ ब्यूटीफुल। बहुत सारे लोग तो घर चले गए हैं, कुछ कुछ यहाँ पे रुके हुए हैं, और जो जो रुके हैं वो होली मनाने जा रहे हैं। जहाँ पे पिछली बार हुआ था वहीं पे फिर दोबारा से हो रहा है, और इस बार शेड्स भी हो गए, पिछली बार तो शेड्स नहीं थे और धूप तो काफ़ी ज़्यादा तेज है, पर पिछली बार भी धूप में भी हम लोगों ने मजे कर लिए थे। फ्रंट कैमरे के जितने भी शॉट्स आएंगे जिनमें थोड़ा थोड़ा आपको ब्लरी सा दिख सकता है कि मेरे साथ अभी बीच में एक हादसा हो गया था, काफ़ी ज़्यादा बड़ा वाला हादसा हो गया। मेरा फ़ोन समुद्री पत्थर पे गिर के चकनाचूर हो गया। देखा आपने लापरवाही का नतीजा? गोरिल्ला ग्लास है, पर उसका भी भगवान ने तो नहीं किस्मत में तोड़ निकाली। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। मतलब बड़ा सीन पानी है भाई, जहाँ पे कोई दिक्कत भी नहीं होनी होती है ना, पर 1% दिक्कत का चांस होता है, मैं उसी 1% में दिक्कत निकाल लेता हूँ। कौन है ये रुक? कहाँ से आते हैं? ये फोन में चेंज करना नहीं चाहता हूँ। ऐसे पहले तो 12 तारीख को बनाने का प्लान था, डेट चेंज हुई और 5 तारीख को कर दिया लोगों ने। वैसे तो सब लोग वही रहेंगे जो पिछली बार थे, कुछ कम हो सकते हैं, तो बाकी कुछ जो फर्स्ट ईयर वाले नए आए होंगे वो सब होंगे। होली तो हम तो घर पे बनाए हुए 5 साल 6 साल हो गए जो लास्ट में अपन ने होली मनाई थी। मेरे को लग रहा है 8th में शायद लास्ट टाइम मैंने होली मनाई है घर पे। होली के साथ काफ़ी सिंपा नहीं रहता मेरा। इन 5-6 सालों में कुछ ही होली रही होंगी जिनमें मैं कलर्स खेला हूँ, कि इस बार होली में जाने का भी कोई सिंपा नहीं है भाई। 2 दिन की छुट्टी में कहाँ ही हिमाचल चला जाऊँगा। बहुत ज़्यादा बातें कर रहा हूँ मैं, पता है मेरे को कि बड़े टाइम बाद ब्लॉग बना रहा हूँ मैं, एडिट नहीं कर पाता यार, टाइम ही नहीं मिलता है। तो मरखुरदार जल्दी जल्दी मुंह और जबान चलाते हुए आखिरकार हम लोग पहुँच ही जाते हैं। तो हम लोग पहुँच चुके हैं। बाकी उसी जगह पे वैसे ही हाल कर रखा है मैंने, शेडिंग वगैरह तो सर पे ढूंढ रहे थे, बगल में शेडिंग दे रखी है, पार्टी बदल लिया साला और मिल गया अपने लोग। तो हैप्पी होली गाइस, हैप्पी होली। और पिछली बार अभी तक तो मेरा रंग लगा फिर क्या थे बाबा, अपन बिन हसमुख चेहरा को रंगारंग करने की तैयारी में लग गया था, बट आग से मुट्ठी में जितना कलर आया लिया और बारी बारी सबको रंग दिया रे बाबा। ओ और सब लोग तो ऐसे रंग उठा रहे थे जैसे तत्काल की टिकट हो, और आखिरकार कलर खत्म ही हो गया। फिर भी जो कलर था वो हमने लगा लिया, और यहाँ पे हमारे बांगदार भाई मांग की रखवाली करते हुए, और बाजा भी काम नहीं कर रहा था, तो बहुत सारी दिक्कतें थी जिस वजह से माहौल थोड़ा सा लो चल रहा था। बात तो सही है, दौड़ना तो पड़ता है। इसका भी हल हमारे अद्वैता जी ने निकाल लिया। इनके पास था इनका जादुई कलर जो कि 2 हफ्ते तक ना छूटे, और ये अपने मिशन सबको रंग दो रंग से पहले पे लग गए, और ये रहे इनके पहले शिकार। देखिए देखिए इस मासूम से चेहरे को देख करके कोई बोल सकता है अंदर से इतना कमी ना हो सकता है। सो लार्ज प्रोजेक्ट कम्स विद लार्ज प्रॉब्लम, तो इधर भी पानी की दिक्कत हो रही थी। तो ऐसे प्लान के साथ आए कि लगाने वाले और लगने वाले दोनों को मजा आया। तो गाइस आज इस बार तो छोटी सी जगह में ही हम लोग घूम गए, मतलब दोस्त वगैरह सब ढूंढ रहे हैं नहीं मिल रहे हैं, ठीक है कलर वलर तो फिलहाल के लिए ख़त्म हो गए,
भैया लोगों ने बोला है कलर शेड्स आप देख रही हो बगल में है ऊपर नहीं, तो कोई फायदा नहीं है उसका। बाकी पिछली बार पानी वानी था, पिचकारी वगैरह था, इस बार मेरे को वो सब कुछ दिख नहीं रहा है। होली में साला आए थे लाल पीला होने, सालों ने काला नीला कर दिया। भांग तो अभी चालू भी नहीं हुई थी, कुछ लोग तो पहले से टूलते और हम इधर मेहनत से चुरा करके रंग ला करके लगा रहे थे लोगों को। तो मिलिए अपने विनोद चोली वालिया से। आज आज होली का त्यौहार है, आज होली का दिवाली है, आज दिवाली है। गांधी जी के शुभ अवसर पे आज आज मांग किया जाता है और पैदल चला जाता है। अच्छा, इसी बात पे कहिए बोलो नमः पार्वती पते हर 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 महादेव आशीर्वाद। भाई भोले बाबा प्रसाद क्यों राजा जी, वही तो कैमरा लेकर के आए तो ये आपकी जिम्मेवारी बनती है, जहाँ जहाँ सुंदर लड़कियाँ हैं तो सब लड़कों को सूचित किया जाए कि करके रंग लगाए। ओके, चोलिया में रंग की इतनी कमी हो गई थी, लोग सब सिंदूर से होली खेलना चालू कर दिए रहे। बाबा ये झूठ नहीं बोल रहा हूँ, ये रखो डब्बा। फिर आते हैं हमारे हकीम जी नूर जी, इनसे हम एक ही चीज कहेंगे पीछे देखो पीछे क्या कलर ही नहीं है। और उनके साथ थे हमारे स्कूटी दार प्रियांशु जी, नए लोगों को देख अद्वैता फिर से एक्टिव हो चला था, अपने शिकार की ओर रंग लिए चल पड़ा था। और ये शिकार आउट। कैसा लगा मेरा मजाक? जा रहा नहीं, हफ्ते भर में छूट जाएगा, टेंशन मत। इस बर्फ के सिल्लू को तो लोग जादुई पत्थर समझ के बार बार छू रहे थे और हम इधर चोरी चोरी चुपके चुपके कलर उठा रहे थे और रंगने के लिए लोग सब ढूंढ रहे थे बाबा। और यहाँ भांग बटना भी चालू हो गया था बाबा, लाइन बहुत लंबी थी पर भांगधार से कनेक्शन होने की वजह से अपना काम जल्दी निपट गया। तो फर्स्ट बार इतना सारा भांग पी करके आप यहाँ पे साइड में बैठे हुए हैं छांव में, और अभी पानी वानी भी काफ़ी ज़्यादा पिया है। ठीक है, एक्चुअली भांग पीना नहीं था पर प्यास लगा था और यहाँ पे कोई बोतल वोटल था नहीं, तो इसलिए अपन भांग पीने गए थे ताकि गिलास मिल सके। और बस उसी गिलास से पानी वानी पिया है, अभी तो इधर साइड में बगल में बैठे हुए हैं और इसके अंदर अभी चल रहा है। और ये रहे अपने विनोद भाई, भाई खेल तो लिए इतना ज्यादा समझ में नहीं आ रहा। देखो भाई ये सोचे ना कितना है भाई, होली का मजा चोली में है भाई, जितनी चोली वाली सबको लगा दो। और लगाने का ट्रिक भाई आज चैलेंज वैलेंज भी ले लिया है। किससे? क्या क्या भैया है थर्ड ईयर के, तो भाई हमको हम उनको कहे भैया हम जिसको चाहे उसको रंग लगा सकते हैं। वो लोग बोल रहे थे भाई कोई आई पे नहीं किया, आया नहीं आया नहीं, किसको लगाए हम क्या आपको बोल दिए जिसको कहिए उसको लगा देंगे भाई, होली क्यों ना लगाए। तो भाई फिर हमको इशारा किए कि जिससे एक जन को इशारा किए उसको छोड़ो उसका पूरा ग्रुप से भी लगाए भी और लगवा के भी। वाह, तीन चार जन से। देखिए देखिए इसे कहते हैं होली का स्पिरिट, क्योंकि भाई हमने भाई से अपने सीखा है, इन्होंने ही हमें सिखाया था ये स्पेशल टैलेंट। पर मैं भूल चुका, मेरे को याद नहीं है। अब फिर मैं दिखा दूंगा तुम्हें। ठीक है ठीक है। तो आखिरकार जिसका सबको इंतजार था, गाना बजना चालू हो जाता है और हमारी चिंता भी चालू हो जाती है। देखिए gotta let out the beast, revolutionary guy let out the streets, locked in a cage I'ma let out the wake up the sheets, we came for one man forget my peace, you take the west I'll take on the east, I'ma put him in a cage never let out the I hear him chats in the noise, move too quick can't stop for the talking, I hear him chat with the boys, man so tough but man's keep talking, yeah, just too sharp with the prize, white girls better tell me I'm awesome, yeah, hot like fire on the pan, if you wanna touch me I'm please use caution, beg please get on your knees, came from the jungle up in the trees, I got a few tricks up in the sleeve, one wrong move I'ma let out the big shoes check out the crease, blow like I'm Bigfoot step on the beat, make a man's run till he step out the crease, when the whole place scream gotta get up. আমি নাচবো না ভাই, আমার সবিতা জান নেই, আমি নাচবো।
stop that. Stop that. Stop that. Yeah, I am trapped in the noise. Can't stop for the talking. I am trapped with the boys. Nas keep talking, yeah. Just too sharp with the prize. Let the girl tell me I'm awesome, yeah. Hot like fire on a pan. If you wanna touch me, please use caution. दिस इज आफ्टर होली. क्या लेके आए थे, क्या लेके जा रहे हैं, यू आर सीइंग. एंड दिस इज द आर्ट, दिस इज द आर्टिस्ट, दीज आर द आर्टिस्ट. साला कहीं का नहीं छोड़. मेरे साथ अन्याय हुआ है, मेरे साथ अन्याय हुआ है और मैं अब किसी के साथ अन्याय नहीं होने दूंगा. कभी अंत तो होना था पर मैंने चार होली के लिए सोचा था, दो होली में निपट गया ये. महाकाल का ठोक दीजिए, 5,000 लौटे दिख जाना चाहिए. ये 4,000 के लिए मैं यहाँ पे नहीं खड़ा हूँ.